नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव बंदा। तो दोस्तों, यूट्यूब टिप्स वीडियो सीरीज के चौथे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव बंदा का टूर करा के, और साथ ही साथ एक जो नया चैनल क्रिएट हुआ है उसका भी टूर करा के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी कि कौन सी सेटिंग क्या रहती है, और एक YouTube चैनल में आप लोगों को क्या ओवरऑल होता है, कहाँ पे कौन सी चीजें होती है, जैसे कि ऑडियो लाइब्रेरी हो गया, या फिर आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन कहाँ पे होता है, कहाँ पे आप लोग नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, और कहाँ पे आप लोग YouTube चैनल का डिफॉल्ट टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ सेट कर सकते हैं, कहाँ पे आप लोग यूट्यूब वीडियो की ब्रांडिंग कर सकते हैं, और कहाँ पे आप लोग अपने यूट्यूब चैनल का मैनेजर, एडिटर, व्यूअर, बहुत सारे यूजर्स को परमिशन दे सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल को एक्सेस करने के लिए, उसके वीडियोस को एडिट या फिर व्यू करने के लिए, या फिर डिफरेंट तरह के परमिशंस होते हैं। तो वो सब कुछ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ मैं पूरे ही यूट्यूब का टूर करके बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो उससे चलिए समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल के बेल बटन को भी जरूर दबा लीजिए, इससे आपको हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को YouTube चैनल का टूर कराने वाला हूं कि उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो कि आपको करना होता है। आपको काफी सारे फीचर्स भी लेने होते हैं, तो उन सब के लिए आपको कुछ सेटिंग करनी होती है, कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिसके बाद ही आपको चैनल में कुछ कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले लॉग इन कर लेता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने अपने आईडी से लॉगिन कर लिया है। उसके बाद फिर आपको योर चैनल पे अगर आप जाएंगे तो फिर आपको आपके चैनल के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, लाइक आपके अबाउट में क्या है, यहाँ पे आपको डिस्कशंस में जो भी पब्लिक कमेंट होते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आपके अगर कुछ फीचर चैनल है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। आपके चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर काफी सारे वीडियोज हो सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी वीडियोज की लिस्ट होंगी वो सब कुछ आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये होम में यहां से आप लोग जाकर के अपलोड वीडियो भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहां पे कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन जो आता है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि कस्टमाइज चैनल करने के बाद यहां पे लेआउट है, चैनल ट्रेलर, मतलब अगर जो भी आपका चैनल का ट्रेलर होगा वो वीडियो आप यहां से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, मतलब कि जो भी सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पे रिटर्न होते हैं तो उनको बाय डिफॉल्ट चैनल पे कौन सा वीडियो जो पहले जो होम स्क्रीन पे दिखता है वो कौन सा वीडियो दिखेगा वो आप यहां से डाल सकते हैं। उसके कुछ फीचर्ड सेक्शन है जहां पे आप लोग शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं और अपलोड्स जितने भी हुए हैं वो सब कुछ आप देख सकते हैं। मैं आ जाता हूँ ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अगर आपको कुछ अपलोड करना है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको बैनर इमेज जो भी अपलोड करना है वो आप अपलोड कर सकते हैं। बैनर इमेज मतलब जो अभी आपके चैनल पे कोई भी आता है तो उसके पीछे में जो बैनर होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अगर youtube.com खोल करके चैनल पे चले जाता हूँ, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये बैनर हो जाता है, और प्लस ये जो चैनल का लोगो, न्यू सब्सक्राइबर यहाँ पे आया है तो ये इसको जो चैनल का मेरा ट्रेलर है वो दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से होता है। उसके बाद फिर आपको अपने वीडियो में आपको ब्रांडिंग करना है तो आपको आपके वीडियो में यहाँ पे जो बॉटम राइट कॉर्नर में आप चाहे तो अपना जो भी वाटरमार्क टाइप का लोगो लगा सकते हैं जो कि हर वीडियो में आपको वहां पे दिखेगा। तो ये कुछ सेटिंग्स इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद फिर अगर आप अभी भी यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं डाले हैं तो फिर आप यहाँ पे चैनल का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप चैनल की जो भी लैंग्वेजेस में बनाते हैं वो लैंग्वेजेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐड लिंक, तो ये सब कुछ आप डालना ना भूले क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप लैंग्वेज वगैरह डाल के रखते हैं तो ऑडियंस आपका सेलेक्टेड हो जाता है, मतलब अगर आप हिंदी में कंटेंट बनाते हैं तो उसी कंट्रीज को ये ज्यादा दिखाएगा या फिर सजेशन में आएगा जो कि हिंदी लैंग्वेज जानता हो। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आपका अगर कोई साइट है तो आप यहाँ पे ऐड लिंक कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको यहाँ पे अपना पर्सनल आईडी डालना है
इस चैनल के लिए, तो आप वो भी डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से फिर से यो चैनल पे आता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आप मैनेज वीडियोस भी कर सकते हैं, जैसे जो भी आपके वीडियोस होंगे वो आप यहाँ से जाकर के मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन होते हैं यहाँ पे आपको YouTube स्टूडियो दिख जाता है। यहाँ पे मेनली आपके बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि आपको जो मेन डैशबोर्ड है, जो भी एनालिटिक्स वगैरह है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे जो भी आपका एनालिटिक्स रहेगा वो आपको दिखेगा। वीडियोज यहाँ पे आपके जितने भी वीडियोज रहेंगे वो दिखेगा, प्ले लिस्ट दिखेगा आपको, एनालिटिक्स, कॉपीराइट, मोनेटाइजेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है अभी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सेटिंग करना पड़ेगा लाइक अपलोड लुक। मैं आपको अपने जो इन्फॉर्मेटिव बंदा चैनल है उसका भी टूर करके दिखाऊंगा अभी तुरंत ही। इसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट लोकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑडियो लाइब्रेरी है, मतलब कि आप जो भी अपने अपने वीडियोस में जो भी लाइब्रेरीज, जो भी सॉन्ग वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप इसी में से यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल यूज करना अलाउड है, इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं रहता है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग में। यहाँ पे आप जनरल में जो भी करेंसी है आपका वो मतलब USD ही रहता है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आप जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डिटेल्स लाइक कंट्री ऑफ रेसिडेंस। उसके बाद फिर कीवर्ड्स जो भी है आपको आपके कीवर्ड्स जिससे कि वो चैनल सर्च में आएगा तो आप वो कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स होते हैं तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि ये है डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, मतलब क्या आप वीडियोस किड्स के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर किड्स के लिए तो यस, अदरवाइज नो, अदरवाइज आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस फॉर एवरी वीडियोज, मतलब कि आपको हर वीडियो में वो पूछेगा कि ये वीडियो किड्स के लिए है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है जब आप वीडियोज किड्स के लिए बनाते हैं तो फिर उसमें कमेंट्स वगैरह ऑफ हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ ऑटो जनरेटेड कैप्शन, अगर कुछ पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स वगैरह आते हैं तो फिर वो सब कुछ हाइड हो जाएगा अगर आप यहाँ से करते हैं तो। यहाँ पे गूगल एडसेंस, गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग, ये अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका चैनल एलिजिबल नहीं है। अभी आप कर सकते हैं बट ये आपको एलिजिबल नहीं बनाएगा, मतलब आपके चैनल पे अभी एड नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 1000 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए और फिर 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए आपके चैनल पे, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो भी सब्सक्राइबर काउंट है वो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो फिर आप यस कर देते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं, मतलब अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड फीचर्स, अपलोड वीडियोज, क्रिएट प्लेलिस्ट, ऐड कोलैबोरेटर्स एंड न्यू वीडियोस टू प्लेलिस्ट, ये सब फीचर्स आपको डिफॉल्ट मिले हैं जो कि इनेबल्ड है। लेकिन आपको जो है सो कुछ फीचर्स जो कि है, जैसे कि वीडियो ओवर 15 मिनट, मतलब आपको अगर 15 मिनट से ज्यादा लंबा वीडियो बनाना है या फिर कस्टम थंबनेल्स देने हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है कस्टम थंबनेल्स, ये सब हम लोग आगे बातें करेंगे कि क्या होती है। लेकिन अगर आपको ये सब फीचर चाहिए लाइक लाइव स्ट्रीमिंग, कंटेंट आईडी, अपील्स, तो ये सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फोन नंबर वेरीफाई कराना पड़ेगा, तभी आपका चैनल जो है सो आपको ये सब फीचर्स देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर पे आप क्लिक करेंगे और फिर आपको एक OTP आएगा, आपको नंबर एंटर करना पड़ेगा, फिर आपको OTP आएगा और फिर आपको ये सब फीचर्स मिल जाएंगे। उसके बाद फिर अपलोड डिफॉल्ट्स क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, मतलब जब भी आप कोई वीडियो डाउन अपलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो टाइटल आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसकी विजिबिलिटी आपको बाय डिफॉल्ट क्या रखना है, और बाय डिफॉल्ट कुछ टैग्स अगर हैं जो कि आपको रखना है तो आप वो बाय डिफॉल्ट आपको जो भी रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर एडवांस सेटिंग में, एडवांस सेटिंग में जो भी वीडियो का आप, जो भी आपका लैंग्वेज है, जो भी आपका कैटेगरी है, वो सब कुछ आप डिफॉल्ट जो भी होगा वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर परमिशंस में आते हैं, आप यहाँ से आप इस वाले सेक्शन से आप किसी को भी परमिशन दे सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस सब टाइप के मैनेजर, मैनेजर, एडिटर, एडिटर, व्यूअर, व्यूअर लिमिटेड, तो ये सब कुछ टाइप के परमिशंस होते हैं। मतलब अगर आपका अकाउंट कोई कोई मैनेज कर रहा है तो आप उसको ये सब रोल दे सकते हैं और वो
आपके लिए वीडियोस अपलोड करेगा या फिर जो भी करता है वो कर सकता है, या फिर कमेंटिंग परमिशन, मतलब जो भी आपके चैनल के मैनेजर अगर आपके हैं, अगर आपका चैनल इतना बड़ा है आप वीडियो खुद से मैनेज नहीं करते हैं अपना यूट्यूब चैनल, तो फिर आप उनको यहाँ से रोल दे सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग ओनर अकाउंट का एड्रेस हम उसको नहीं देंगे, बल्कि हम उसको देंगे रोल, ताकि वो लिमिटेड चीजें ही कर सकता है, लिमिटेड एक्सेस रहेगा उसको, और वो चैनल डिलीट करना या फिर वीडियो डिलीट करना ये सब परमिशंस उसको नहीं रहेंगे। तो ये सब कुछ होता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ और भी फिल्टर्स हैं और भी सेटिंग्स है, बट ये सब उतना इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको अपना चैनल टूर करा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, योर चैनल पे अगर आप जाएंगे तो फिर आपको जो भी वीडियोस वगैरह रहेंगे वो सब कुछ आप दिख जाएगा आपको। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो फीचर्ड वीडियो जो बोला था वो फीचर्ड वीडियो यही है, जो भी सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको ये वीडियो दिखेगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं उनको जो ट्रेलर वाला वीडियो है वो दिखेगा। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस में ऐसे जो भी वीडियोस हैं वो दिखते हैं। उसके बाद फिर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे 4 प्लेलिस्ट है और उन सब के अंदर दूसरे दूसरे वीडियोस हैं, मतलब उन सब के अंदर कुछ वीडियोस हैं। और यहाँ पे कम्युनिटी टैब, ये तो आपको अभी नहीं मिलता है, ये आपको बाद में मिलता है जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो जाते हैं। ओके, फिर आपको अगर आपके फीचर कोई चैनल है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर अबाउट सेक्शन में आपको यहाँ पे जो भी है आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको चले जाना है यूट्यूब स्टूडियो पे। यूट्यूब स्टूडियो पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी अगर कुछ चैनल के वायलेशन हुए हैं तो वो आपको दिख जाएगा। मैं इस पे भी आपको डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि आपके वीडियोस अगर कोई चैनल कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं तो फिर आपको वो किस तरीके का दिखता है वो आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप चैनल एनालिटिक्स देख सकते हैं, और फिर वीडियोस के कमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो के लेटेस्ट कमेंट्स भी देख सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे वीडियोज वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको जो भी वीडियोस हैं वो सब कुछ आपको दिख जाएंगे। फिर आपको अगर कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस वीडियो का एनालिटिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, और उसको आपको यूट्यूब पे देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट वाला पार्ट है मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद फिर एनालिटिक्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप सब कुछ आपको एनालिटिक्स किस तरीके का दिखता है आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर कमेंट्स आप यहाँ पे जाकर के भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर सब टाइटल्स अगर कुछ है आपके वीडियोस में, कौन कौन से वीडियोस को सब टाइटल्स है आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। फिर कॉपीराइट अगर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल कुछ भी कॉपीराइट नहीं है। उसके बाद फिर ये सब कुछ तो मैंने दिखाई दिया है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो कि आप देखेंगे कि 1390 सब्सक्राइबर्स है और 3948 घंटे हुए हैं जबकि 4000 रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों ये है ओवरऑल यूट्यूब का टूल। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस आगे हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे के कुछ वीडियोस में यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स यूट्यूब टिप्स प्लेलिस्ट के अंदर डालने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पे आकर के वो सब कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।